हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका चैनल रूपाली आनंद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रावण महीने में घर पर पूजा का आयोजन किया जाता है और पारंपरिक रूप से पूजा के लिए शीरा या सूजी हलवा बनाया जाता है। ये हलवा बनाने के लिए इसकी सामग्री लेते वक्त विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और इसका खास महत्व होता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम हलवा बना लेते हैं। हम सबसे पहले एक कप घी पैन में ऐड कर देंगे और घी गर्म होते ही हम इसमें 1/4 कप सूजी ऐड कर देंगे और सूजी को बहुत अच्छे से हमें भूनना है। मैंने यहाँ पर बारीक सूजी ली है, अगर आपके पास मोटी सूजी है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पूजा के लिए हलवा बनाते वक्त इसमें हम 1/4 के प्रमाण से बनाते हैं। किलो के हिसाब से सारी सामग्री हम 1/4 किलो या 1/4 के हिसाब से लेके आएंगे। इसके लिए लगने वाले ड्राई फ्रूट्स हम अच्छे से काट लेते हैं और सूजी को हम बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। इस मिठाई का खास महत्व होता है क्योंकि इसे भगवान के भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। सूजी, घी, चीनी, सूखे मेवे और दूध से बने इस शीरे का स्वाद हर किसी के दिल को भा जाता है। हलवे का सुगंध और इसका समृद्ध स्वाद इसे खास अवसरों के लिए एक आदर्श मिठाई बनाता है। और इस स्टेज पर सूजी बहुत अच्छे से भुनकर रेडी है और प्रसाद के अलग फ्लेवर के लिए हम इसमें 2 से 3 बनाना ऐड करेंगे। अच्छे से पके हुए केले का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। केला डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है और इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। केला भूनने के बाद हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। मैंने 2 कप दूध इसमें ऐड किया है, मतलब 1/2 लीटर दूध लिया है। आप 1 कप पानी और 1 कप दूध का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से सूजी बहुत अच्छे से फूल जाएगी। दूध थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिलाएंगे। एकदम से डालने से इसकी छींटे उड़ सकती है। सूजी में सारा दूध सोखने के बाद हम इसमें 1/4 कप शक्कर ऐड कर देंगे या आप गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर आखिरी में डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। इसे अच्छे से मिलाएंगे और मेल्ट होने देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर अच्छे से पकाएंगे और इसका सुगंध और बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर डालने के बाद इसकी खुशबू और बढ़ जाती है। या आप जालपत्री का पाउडर भी इसमें मिला सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे ढककर लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक एक तड़का पैन हम गैस पर रखेंगे। अपना प्रसाद का शीरा धीमी आंच पर पक रहा है और हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए है इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश और चिरौंजी ली है। ड्राई फ्रूट्स हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे और ये प्रसाद का शीरा बहुत ही टेस्टी बनता है। इसी में हम किशमिश भी ऐड कर देंगे। आपकी भाषा में चिरंजी को क्या कहते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे महाराष्ट्र में इसे चिरंजी कहते हैं। किशमिश अच्छे से फ्लफी होकर रेडी है। इस स्टेज पर हम शीरा का ढक्कन खोलेंगे और इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। साथ में ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम तुलसी के पत्ते ऐड कर देंगे, तब जाके प्रसाद पूरी तरह से रेडी हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आप हमारी सभी नई सामग्री का आनंद सबसे पहले ले सकेंगे। बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।